आज हम बनाएंगे लौकी का हलवा। लौकी का हलवा बनाने के लिए हमने ली है 300 ग्राम लौकी, इसे हमने किस लिया है, 100 ग्राम खोवा, 2 बड़े चम्मच घी, आधा कटोरी शक्कर, 8-10 काजू बारीक कटी हुई, 8-10 बादाम बारीक कटी हुई, थोड़ी सी किशमिश और आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। चलिए शुरू करते हैं। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई में घी डालेंगे, घी गरम हो जाए थोड़ा। देखिए घी गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये लौकी डाल देंगे। और इसे लौकी को नरम होने तक हम इसे भून लेंगे। देखिए लौकी भून चुकी है, नरम हो गई है लौकी। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो शक्कर थोड़ी बढ़ा लीजिए, या कम खाते हैं तो शक्कर थोड़ी कम कर लीजिए। शक्कर डालने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर 5-7 मिनट और भूनेंगे। देखिए हमने 5-7 मिनट इसे भून लिया है, शक्कर अच्छी तरह से घुल गई है। शक्कर डालने के बाद थोड़ा सा पानी छोड़ती है, तो पानी के सूखने तक इसे थोड़ा पकाना है। उसके बाद हम ये खोवा डाल देंगे। खोवा डाल के हम इसे थोड़ा भून लेते हैं। देखिए हमने मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए 5 मिनट इसे भून लिया है। अब हम इलायची पाउडर डालेंगे, काजू डालेंगे, बादाम, किशमिश ऐसे मिला लेंगे। देखिए अच्छी तरह से ड्राई फ्रूट मिला लिए हैं। गैस ऑफ कर देंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हमने लौकी के हलवे को बाउल में निकाल लिया है, अब हम इसे गार्निश कर देते हैं। देखिए लौकी का हलवा बनकर तैयार है, अब आप इसे सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।